जीवों की प्रजातियों का विलुप्त होना, नई प्रजाति का विकसित होना एक निरंतर प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। जबकि अभी तक केवल 5 बड़े ऐसे मौके आए हैं जब पृथ्वी पर ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनकी वजह से पृथ्वी का अधिकांश जीवन खत्म हो गया था। 6.6 करोड़ साल पहले ही ऐसी घटनाओं में डायनासोर प्रजातियों के पूरे समूहों का विनाश हो गया। डायनासोर के बाद फिर से पनपे जीवन में स्तनपायी जानवरों और फिर आज इंसानों का वर्चस्व है। लेकिन 6.6 करोड़ साल बाद आज भी पृथ्वी पर ऐसे जानवर हैं जो डायनासोर की तरह दिखते हैं। आइए जानते हैं कि ऐसे कौन से जानवर हैं जो डायनासोर की तरह दिखते हैं। नंबर 1, एमू। एमू वैसे ही देखने में सामान्य रूप से प्रचलित डायनासोर की तरह दिखते हैं। वे डायनासोर की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। उनकी गर्दन डायनासोर की तरह लंबी होती है और उनके लंबे पैर उन्हें 30 मील प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने में मदद करते हैं। उनके पैर खास तौर से डायनासोर की तरह होती है। कुछ डायनासोर की तरह उनके पैर में 3 अंगूठे होते हैं और बाजू जैसे हिस्से में पंजे होते हैं। थेरोपॉड्स की तरह एमू के 2 पैर होते हैं। नंबर 2, टर्टल्स। हैरानी की बात लगती है कि आखिर कछुए डायनासोर की तरह कैसे लग सकते हैं, लेकिन यह सच है। ईस्टर्न लॉन्ग लेग टर्टल्स यानी लंबे पैर वाले कछुओं की लंबी गर्दन होती है और अगर आप इन्हें चलते हुए देख लें तो ऐसा लगेगा कि डायनासोर ही चल रहे हैं। लंबी गर्दन, छोटा मुंह होने के साथ इनकी सपाट पीठ होती है। गर्दन का रंग कुछ कुछ काला होता है। नंबर 3, रंगीन छिपकली। चमकीले हरे रंग के शरीर वाली छिपकली की प्रजाति के ग्रीन बासिलिस्क मेक्सिको और उत्तरी कोलंबिया में पाए जाते हैं। उनकी गर्दन और पीठ पर काली सफेद चमक दिखती है। नर बासिलिक्स में जहां पीठ और पूंछ पर क्रेस्ट या कलंगी होती है, वहीं मादों के सिर पर छोटी कलंगी होती है। इसी वजह से वे पैरासोरोपोफस वंश के डायनासोर की तरह दिखाई देते हैं। नंबर 4, केमोन छिपकली। कैमान छिपकली भी डायनासोर की तरह दिखने के लिए मशहूर है। इसकी 2 प्रजातियां होती हैं। एक प्रजाति ड्रैकेनिया गुयानेसिस या गुयाना कैमान छिपकली है और दूसरी ड्रैकेनिया पैरागुवेनेसिस या पैरागुवेयन कैमान छिपकली कहलाती है। इनका शरीर बड़ा होता है पर पैर और बाजू वाले अंग शक्तिशाली होते हैं। इनका सिर भी थोड़ा भारी लगता है। ये 4 फुट तक बड़े होते हैं और इनका वजन 4.5 किलो होता है। ये आर्कासोरस प्रजाति के डायनासोर इस तरह दिखते हैं। नंबर 5, माटा कछुआ। माटा कछुआ भी डायनासोर की तरह दिखाई देते हैं। इस कछुए की गर्दन त्रिकोणीय होती है, सपाट सिर होता है। इसके अलावा इसके नथुने पर एक सींग भी होता है। केवल 37 इंच लंबा होने पर भी इनका भार करीब 21 किलो होता है। एक नजर में ही देखने पर यह डायनासोर की याद आ जाती है। नंबर 6, इगुआना। राइनोसोर इगुआना की झलक भी पुरातन काल का जानवर का आभास देती है। इसके 4 पैर होते हैं, सिर विशाल और भारी होता है। इसकी पूंछ सपाट होती है। पीठ पर गर्दन से पूंछ तक नुकीले सींग निकले होते हैं। इनके नथुनों में गांठ होती है। ये सेरोटोसोरस नाम के डायनासोर की तरह दिखाई देते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।